नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर दहिया फिजियोथेरेपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कर्मवीर दहिया। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो नी रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग रहेगा। जैसे आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो बनाई है नी रिप्लेसमेंट के बारे में ही, कि नी रिप्लेसमेंट क्या है और नी रिप्लेसमेंट किसे करवानी चाहिए। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो भी इसी से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें ये है कि क्या नी रिप्लेसमेंट पेनफुल है और नी रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन में भारत में कितना खर्चा आता है। तो दोस्तों, पहला टॉपिक है जो वो है नी रिप्लेसमेंट के बारे में, कि क्या नी रिप्लेसमेंट पेनफुल है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि नी रिप्लेसमेंट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं है, क्योंकि आज का जो एनेस्थीसिया है वो काफ़ी अच्छा डेवलप हो चुका है। जैसे हम बेहोश करना भी कह सकते हैं, जो ऑपरेशन से पहले होता है, वो काफ़ी अच्छा डेवलप हो चुका है। तो दोस्तों, पेनफुल नहीं रहता आजकल का ऑपरेट, और ऑपरेट के बाद तक अगर हम बात करें तो एनेस्थीसिया लंबे टाइम तक असर दिखाता है, जिससे पेन नहीं होता और ऑपरेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। उसके बाद जब एनेस्थीसिया का असर ख़त्म होता है, तो उसके बाद दोस्तों ऐसी मेडिसिन शुरू हो जाती हैं कि जो आपको पेन से बिल्कुल रिलैक्स रखती हैं, आपको पेन नहीं होता। तो दोस्तों, दूसरी बात है फिजियोथेरेपी के रिकॉर्ड के सॉरी दोस्तों, दूसरी बात है जो वो है नी रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन के बारे में, कि भारत में, इस देश में नी रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन के ऊपर कितना खर्चा आता है। तो दोस्तों, अलग अलग हॉस्पिटल्स के अलग अलग चार्जेस हैं, लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ बता दूं कि आदमी को जब आदमी ने नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन करवाना है, तो एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि जो इम्प्लांट्स हैं, जो घुटने के अंदर जो कैप डलेंगी, जो अंदर डलने वाला सामान है, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जिसे हम स्टैंडर्डाइज इम्प्लांट बोलते हैं, कि जो इम्प्लांट काफ़ी अच्छे होते हैं, जिनके अंदर काफ़ी अच्छी चिकनाई होती है, और वो ऐसे इम्प्लांट होते हैं कि जो पिछले लंबे टाइम से 30-40 साल से यूज़ किए जा रहे हैं, जिनके ऊपर काफ़ी अच्छे रिसर्च हुए हैं, और बहुत से लोगों ने वो इम्प्लांट डलवा रखे हैं और वो अपनी लाइफ काफ़ी अच्छे तरीके से बिता रहे हैं, तो उन्हें बोला जाता है स्टैंडर्डाइज इम्प्लांट। तो दोस्तों, अगर आप ऑपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको स्टैंडर्डाइज इम्प्लांट ही डलवाने चाहिए, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के इम्प्लांट हैं वो, और उनके ऊपर काफ़ी अच्छे रिसर्च भी हो चुकी है। तो वो इम्प्लांट आपको डलवाने चाहिए, जिनका खर्चा, अगर मैं बहुत अच्छे हॉस्पिटल की बात करूँ, तो भारत में करीब करीब 5 लाख रुपये का खर्चा आता है दोनों घुटने बदलवाने का। और अगर मैं एक घुटने की बात करूं, तो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए में एक नी चेंज कर दी जाती है, घुटना बदल दिया जाता है, अगर हम स्टैंडर्डाइज इम्प्लांट की बात करें। वैसे अगर मैं भारत देश की बात करूं और छोटे शहरों की बात करूं, या मैं कुछ ऐसी बात करूं कि जो स्टैंडर्डाइज इम्प्लांट नहीं होते, कुछ थोड़े कॉस्ट वाइज कम महंगे इम्प्लांट भी आते हैं, अगर हम उनकी बात करें, तो उसमें दोस्तों करीब करीब 3.5 लाख रुपए का खर्चा भारत देश में ऑपरेशन करवाने का, घुटने चेंज करवाने का, जो आज की डेट में आ रहा है, और वो 3.5 से 4 लाख रुपए तक हो सकता है। और अगर मैं एक घुटना बदलने की बात करूँ, तो वो 2 से 2.5 लाख रुपए तक हो सकता है। तो दोस्तों, ये आज की डेट में इंडिया में जो चार्जेस हैं नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी के हैं। तो दोस्तों, अगर आप नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी करवा रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं, तो दोस्तों एक चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने के बाद आपको फिजियोथेरेपी कम से कम 40 दिन के लिए करवानी पड़ेगी, क्योंकि ऑपरेशन के बाद मसल्स काफ़ी वीक हो जाते हैं, नी प्रॉपर काम नहीं कर पाती, टांग प्रॉपर काम नहीं कर पाती, नी बैंड नहीं हो पाती। तो फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है उन सारी चीज़ों को काम पर लाने का, नी को बिल्कुल बैंड करने का, आपको चलाने का, नी की जो टांग के अंदर की जो मसल्स हैं उनको बिल्कुल एक्टिव करने का, उनको बिल्कुल स्ट्रेंथ में लेके आने का, ताकि आप अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट सकें। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो नी रिप्लेसमेंट के बारे में, कि नी रिप्लेसमेंट का भारत देश में क्या खर्चा है, और उसके रिगार्डिंग बहुत सारी बातें हमने की हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में,
तब तक के लिए नमस्कार।